नमस्कार, इजी आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न है, मैंने कहीं पढ़ा है कि पुराने समय में रोगी को संस्कृत वर्णमाला का उच्चारण करने द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुनकर रोग का पहचान किया जाता था। इस विशिष्ट रोग परीक्षण पद्धति के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करें। रोगी के अक्षरों के उच्चारण सुनकर रोग का पता लगाना यह केवल उच्च स्तरीय ज्ञान रखने वाले आयुर्वेदिक वैद्यों को संभव है, लेकिन मुख्य आयुर्वेदिक ग्रंथों यानी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय में इस पद्धति का उल्लेख नहीं है, जो कि हम में से अधिकांश औसत स्तर के आयुर्वेदिक चिकित्सक पढ़ते हैं। पश्चिमी दुनिया में अवास्तविक उम्मीदों अथवा एक जादुई दृष्टिकोण के साथ आयुर्वेद प्रचलित है। पारलौकिकता और आध्यात्मिक माध्यम से उपचार करके कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सक अद्वितीय बनने के लिए और बाकी वैद्यों से अलग दिखने के लिए प्रयास करते हैं। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय जैसे प्रमुख आयुर्वेदिक ग्रंथों में नाड़ी निदान का उल्लेख नहीं है। नाड़ी परीक्षण किसी बीमारी के निदान के 10 तरीकों में से एक है और अकेले नाड़ी परीक्षण ही एकमात्र रोगी परीक्षण पद्धति नहीं है। भारत में यूनानी चिकित्सा पद्धति के लोकप्रिय होने के बाद के आयुर्वेदिक ग्रंथों में नाड़ी निदान की व्याख्या की गई थी। यूनानी वैद्यों को महिला रोगियों में पल्स डायग्नोसिस करने के लिए मजबूर किया जाता था, क्योंकि उनकी परंपरा के अनुसार वैद्य महिलाओं के केवल हाथ की ही जांच कर सकते थे। यदि कोई आध्यात्मिक उपचारक है जो निदान और उपचार के आध्यात्मिक तरीके का अभ्यास करता है, तो आदर्श रूप से उसे अपने सेवा के लिए शुल्क नहीं लेना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि बिजनेस और आध्यात्मिक ये दो शब्द परस्पर विरोधी है। एक व्यक्ति जो आपकी सेवा के लिए आपसे धन मांगता है, उसे आध्यात्मिक नहीं कहा जा सकता है। आप कैसे मानते हैं कि केवल रोगी की आवाज सुनकर करने वाले निदान सही है? किसी भी बीमारी की गंभीरता, कारण, रोग का निदान, लक्षण, उत्तेजित करने वाले और शांत करने वाले कारक, इलाज की संभावना और अन्य जटिलताओं को समझने के अलग अलग तरीके हैं। रोग का परीक्षण न केवल आवाज से बल्कि अन्य इंद्रियों से भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मुंह से दुर्गंध या जीभ पर सफेद कोटिंग खराब पाचन का संकेत दे सकती है। शरीर में उच्च तापमान बुखार का संकेत देता है। आयुर्वेद में रोग को उसके कारणों, पूर्ववृत्तों, प्रमुख लक्षणों, तीव्र और शांत करने वाले कारकों से समझा जाता है। आयुर्वेद में रोगी परीक्षण हेतु 10 तरीके बताया गया है। शरीर विज्ञान, रोग परीक्षण, शरीर के ऊतकों, शरीर के घनत्व, एंथोपोमेट्री अथवा मानव शरीर के अंगों का वैज्ञानिक अध्ययन, आदतें, रोगी की मानसिक क्षमता, आहार सेवन, व्यायाम क्षमता और उम्र का निर्धारण, इन सभी लक्षणों पर एक आयुर्वेद वैद्य परीक्षा करने के बाद रोग निर्णय करता है। आयुर्वेद की पाठ्यपुस्तकों में लिखे गए संपूर्ण आयुर्वेद को आगम, आपता, आप्तोपदेश माना गया है, जिसका अर्थ है शास्त्रीय साक्ष्य। प्राचीन काल में मौखिक परंपरा के माध्यम से शिक्षक से शिष्य तक ज्ञान का संचार होता था। भारद्वाज मुनि ने अपने ज्ञान के माध्यम से यह जान लिया कि आने वाले पीढ़ियों के लिए शास्त्र को याद करना मुश्किल होगा और ताड़ के पत्ते की पांडुलिपियों में सभी शास्त्रीय जानकारी दर्ज करना शुरू कर दिया। चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 11 श्लोक 27 के अनुसार प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ निम्नलिखित घटकों पर आधारित है। परीक्षक के प्रणीताः, परीक्षकों द्वारा कई तरह से अच्छी तरह से जांच किए जाने के बाद शिष्ट अनुमतों, समाज के जाने माने विद्वानों द्वारा स्वीकार किया गया लोक अनुग्रह प्रवृत्ता संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए लिखा गया है। यदि रोगी की केवल ध्वनि ही पूर्ण निदान करने के लिए पर्याप्त होती, तो प्राचीन आचार्यों ने निदान के अन्य तरीकों जैसे जीभ की जांच, मल, मूत्र,
निरीक्षण द्वारा जांच आदि के बारे में नहीं लिखा होता। आयुर्वेदिक ग्रंथ योग रत्नाकर में 8 प्रकार के जांच के तहत मूत्र और मल परीक्षण का विस्तार से वर्णन किया गया है। ये परीक्षण विभिन्न रोगों के निदान और निदान की पुष्टि करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाना चाहता है जो केवल उसकी आवाज सुनकर ही रोग का निदान करेगा, तो उस वैद्य के ऊपर रोगी को पूर्ण विश्वास होना चाहिए। वह वैद्य ही बता सकता है कि बीमारी ठीक हो रही है या नहीं। इस तरह से आयुर्वेदिक चिकित्सक पर संपूर्ण विश्वास बनाया रखना चाहिए होगा। यदि कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक यह घोषणा करता है कि वह उपचार तकनीक का एकमात्र स्वामी है और वह सिर्फ आध्यात्मिक रूप से ही सभी रोगों को नष्ट करता है, तो मुझे संदेह होगा। मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक पर भरोसा करना चाहूंगा जो चरक, सुश्रुत आदि के पाठ संदर्भों के आधार पर चिकित्सा करता है। योग को गर्म योग, ठंडे योग, विक्रम योग और फिर बियर योग, नग्न योग आदि में बदल दिया गया, लेकिन आयुर्वेद को बद से बदतर होने से बचना हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आपके वैद्य औषधियों के सामग्री के बारे में जानकारी छुपाता है, अगर वह आध्यात्मिक उपचार के लिए आपसे हजारों लाखों पैसे मांगता है, या अगर वो बीमारी को केवल मंत्रों से या सिर्फ एक स्पर्श या मात्र दृष्टि से ठीक करने का दावा करता है, तो उस वैद्य से आप सावधान रहिए। अधिकांश अनुभवी आध्यात्मिक गुरुओं के पास यह ज्ञान हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके आसपास के आयुर्वेदिक चिकित्सक हों। अगर आप हमारे इस कठोर शब्दों से आहत हुए हैं, तो कृपया क्षमा करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया easyayurveda.com पर भेंट करें।